क्या हुआ जी? रॉकी फेल हो गए, वो फेल हो गए। रॉकी फेल नहीं हो सकता, रॉकी फेल नहीं हो सकता। ओ जी रॉकी क्यों फेल होगा भाई? वो आपने पूरा सपना देखा है और कुछ नहीं बस। अरे आप ही बताओ ना, ऐसे टाइम पे उसने अपने हाथ उड़वा लिया। कुछ दिन के बाद उसका टेस्ट है, इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है, कैसे देगा टेस्ट? और भगवान ना करे अगर वो एग्जाम में नहीं बैठ पाया तो एक साल पीछे रह जाएगा ना, फेल ही हुआ ना। नहीं लगती, वो फेल नहीं हो सकता, उसे तो टॉप करना है ना स्कूल, वो फेल नहीं हो सकता। बेटी जी रॉकी फेल नहीं होगा, वो टॉप ही करेगा और एग्जाम भी देगा ही देगा। आप देखना, कोई ना कोई रास्ता ना जरूर निकल आएगा। और फिर आपका बेटा है भाई, ऐसे कैसे किसी के पीछे रह जाएगा है जी? आप ना सब बाबा जी पे छोड़ दो, वो संभाल लेंगे सब कुछ, सब ठीक कर देंगे। चलो जी आप सो जाओ। और जी सो जाओ, सो जाओ, आओ जी सो जाओ। मम्मा मामा, मामा, ये मामा कहाँ चली गई? डैडी जी माँ घर पर नहीं है। होगी बेटा कहीं किचन विचन में। डैडी जी उठाना, मुझे लगता है माँ कहाँ चली गई है। क्या घर पे कहीं नहीं है? तूने पूरा घर देखा? जी डैडी जी। कहाँ चली गई भाई? ओ स्वीटी जी, ओ रॉकी, ओ रॉकी, ओ माँ को देखा, माँ कहाँ गई? क्या? ओ माँ कहाँ गई भाई? अरे पता नहीं, देखो ना फोन करके देखो ना, यहीं कहीं होगी। फोन लगा। ओ बज रहा है। बज रहा है डैड, पर आपके कमरे में बज रहा है। कहाँ चली गई भाई? फोन घर में छोड़ के? पिंकी को फोन करूँ? पापा जी को लगाता हूँ, शायद वहाँ गई होगी। कोई आया है देखो। वो लगता है आ गई। मामा आप कहाँ गए थे? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। ओ मेरी बिटिया, मैं चिंता का निवारण करने ही तो गई थी माता के मंदिर। ले प्रसाद ले, ब्रश किया, नहाया? नहीं। तो फिर बाद में लेना। आपने नहा? आपसे तो पूछना ही बेकार है, आपने तो ब्रश भी नहीं किया होगा। आपका बस चले तो सो तो सोते ब्रश करा दो मेरा। भाई फोन यहाँ रखा है सिर्फ मुझे फोन करने के लिए। आप ही को कर रहा था। कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह? अच्छा मेरा वो, मैं स्कूल जाने वाला हूँ और वो जरा डीओ भी चाहिए, वो नहाने नहीं वाला हूँ आज। मेरे ये समझ में नहीं आता कि तू नहाता क्यों नहीं है, है? गंदा रह के तुझे क्या मजा मिलता है? कोई बात नहीं चल, मैं तुझे स्पंज बाथ दे दूंगी। नहीं नहीं, नो स्पंज बाथ प्लीज। हाँ सुबह सुबह आप। चल चुप कर, सीधा बैठ और ला हाथ आगे कर। ऐसे मैं माता रानी के मंदिर गई थी, वहां पुजारी ने मुझे एक काला धागा दिया, कह रहा था बांध देना कि बुरी नजर इससे दूर रहेगी, इससे तुझे नजर नहीं लगेगी और तेरा दिमाग ना शांत रहेगा। मां मैं रॉकी भैया के लिए शर्ट और पेंट लेके आती हूँ। लिया। और सोन नहा भी लेना। जी माँ। ले प्रसाद खा। तूने ब्रश किया? नहीं। पहले ब्रश कर ले फिर खाना। और सुन, लेफ्ट हैंड से करने वाला है, ठीक से करना हा? और कपड़े बदलते वक्त मुझे बुला लेना। नहीं नहीं, मैं खुद करूंगा, थैंक यू। कैसे करेगा टूटे हाथ से? माँ पापा को भेज। हाँ पापा को, अपने कपड़े तो उनसे बदले नहीं जाते। मैं नाश्ता बना रही हूँ, फिर प्रसाद भी खाना है, जल्दी तैयार। दो खाना ला। इसका नेक्स्ट लेवल ट्राई कर। हाँ ये तू इसका स्कोर बीट करके बता, और तू जहाँ कहेगी मैं वहाँ ट्रीट दूंगा। पक्का, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, एक दो दिन में मेरा हाथ बैठ जाएगा। अरे अब तक दिल्ली में किसी ने भी ये स्कोर बीट नहीं किया मेरा। ओ तो अभिषेक एक काम कर, मुझे 5 दिन के लिए गेम दे दे,
घर ले जाने के लिए? नहीं राशि, मैं अभी नहीं दे सकता, नेक्स्ट ईयर दूं तुझे। अरे यार नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट वीक नया साल शुरू हो रहा है ना। अच्छा तो अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही चिढ़ाते हैं ना, वेरी बैड। एंड ये नेक्स्ट ईयर। अरे राशि राशि, अरे गेंद दे दियो पक्का स्कूल के बाद। लकी जी, ओ लकी जी, नाश्ता तैयार है, आ जाइए। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम अमित कपूर है, आपकी फ्रेंड राधिका कपूर से आपकी बात हुई थी। ओ जी हाँ हाँ हाँ, आप मैथ्स का ट्यूशन लेते हैं? जी। आइए आइए आइए, प्लीज आइए आइए जी आइए। बहुत अच्छा किया आप आ गए, आइए आइए बैठिए जी। क्या लेंगे जी आप? आपके बेटे की रिपोर्ट्स जी, इस साल की और पिछले साल की। डोंट माइंड, मैं यहाँ पर कुछ काम करने आया हूँ और वही करके जाना चाहता हूँ, फॉर्मेलिटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वेरी नाइस जी, जी मैं भी लेकर आती हूँ। क्या हुआ डूड? अच्छा मैंने सुना तो कोई बड़े फुटबॉल क्लब में खेलने लगा है। अरे हाँ यार, एक्चुअली ना मैं इस साल खेलने नहीं वाला था, लेकिन फिर उन्होंने बहुत फोर्स किया तो मैंने कहा चलो ठीक। देखना यार हाथ टूट गया, मुझे ज्यादा उन्हें अफसोस हो रहा है। एनीवेज उनके लिए एक मैच जिता के आया हूँ। ओ डू दैट्स ऑसम यार। अच्छा एक काम करना, मुझे तेरा नंबर देना यार, मैं तुझे फोन करूंगा विश करने के लिए न्यू ईयर। हाँ हाँ लिखना। फोन, अरे छुपा के लाया, बोलना यार। बोलना। लिख लिख नंबर लिख 29008। राशि तो बेवकूफ है, लेकिन ये रॉकी क्यों इसको इतना मुंह लगा रहा है? तेरी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना अगर मैं फोन करूंगा तो? अरे नो नो नॉट एट ऑल, शी इज कूल रे, वो माइंड नहीं करेगी, टेंशन मत ले। अच्छा वो आज का जो गेम, पागल हो गया ये रॉकी। रावि सुना है तूने ट्यूशंस लगा लिए हैं? हाँ यार। ओ कूल यार, अच्छा चल ना तेरे से काम है। ओ जी ये लीजिए जी, रॉकी के रिपोर्ट्स, इस बार के भी और पिछले बार के भी। वो क्या है ना जी, इस लड़के का एक वक्त में ना कई जगह दिमाग चलता है, कभी गिटार में, कभी फुटबॉल में, तो कभी कहीं और। म्यूजिक तो ऑल द टाइम उसके कान में लगा रहता है। वैसे मेहनत करता है लेकिन ध्यान से मेहनत नहीं करता। लेटेस्ट मार्क्स 85%, नॉट बैड जी। वही तो बात है, नॉट बैड है ना, एक्सलेंट नहीं है। और आजकल के जमाने में नॉट बैड और गुड से बात ही नहीं चलती। जी आजकल तो मुझे रात रात को सपने आते हैं कि रॉकी फेल हो गया, और अगर सच में रॉकी फेल हो गया ना मैं देख नहीं पाऊंगी जी। अब मेरे हस्बैंड को ही ले लीजिए, वैसे तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कमाते भी खूब हैं, लेकिन 12th फेल है। अब इसकी वजह से होता क्या है ना, सब कुछ होने के बावजूद भी सोसाइटी में अच्छी पोजीशन नहीं बन पाती ना। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत अच्छे पिता भी हैं, लेकिन अगर उसके साथ फर्स्ट क्लास MBA पास भी होते तो बात ही कुछ और होती ना, सोने पे सुहागा हो जाता। आज अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे होते तो ट्यूशन टीचर हमको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जहां तक बच्चों की बात आती है ना, उनकी पढ़ाई की बात आती है, तो थोड़ा बहुत मैं ही हेल्प करती हूँ, वो तो कुछ नहीं कर पाती। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ओ जी रॉकी के डैडी जी। हेलो जी, लकी सिंह, अमित कपूर, नाइस टू मीट यू सर। बैठो जी बैठो। मिसेस आलूवालिया, मैंने रॉकी की रिपोर्ट्स देख ली, मेरे हिसाब से वो मैथ्स में वीक नहीं है, उसे बस एक एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है। हाँ तो बस वही ना, आप ही देंगे अच्छा गाइडेंस, क्यों है ना जी? हाँ जी जी, एक्चुअली मुझे अभी एक और बच्चे से मिलने जाना है, मैं एक समय में मैक्सिमम 2 या 3 बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, ये मेरा पेशा नहीं है बस एक शौक है, मेरी फीस बहुत ही मामूली है, आई डोंट चार्ज मच,
इसीलिए मैं हर एक बच्चे की रिपोर्ट्स देखता हूँ और फिर ये जज करता हूँ कि किस बच्चे को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और उसी को मैं पढ़ाता हूँ। ओ, इस तरह तो रॉकी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसका हाथ भी तो टूटा हुआ है ना, वो भी राइट वाला। लिखेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, इस वक्त ना उसे आप जैसे किसी टीचर की जरूरत है। तो आप रॉकी को पढ़ाएंगे ना? फिलहाल मेरे पास एक ही बच्चे को पढ़ाने का टाइम है। अभी मैं एक फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। आप दोनों बच्चों में से जिस बच्चे को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं उसी को पढ़ाऊंगा। मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन शाम को बताता हूँ, अभी मुझे इजाजत दीजिए। सी यू सर। जी सर, मैं आपके ना फोन का वेट करूंगी। जी जरूर। जी ओ जी, बस मैं ना ऐसा ही कोई टीचर ढूंढ रही थी अपने रॉकी के लिए। आई होप ये हाँ करते। बड़ा स्मार्ट बंदा है जी, पक्का बड़ी औरतें मरती होंगी जी उस पे। सोचती होंगी अपने बच्चों का पापा भी इतना स्मार्ट होता तो कितना। ओ जी आ जाओ, नाश्ता कर लो, नाश्ता ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म कर देती हूँ। हाँ जी, किस्मत वाला है, लकी नहीं है। अरे हेलो अरविंद, हाय। वो मुझे रॉकी के लिए नोट्स चाहिए थे, तुम्हारे नोट्स मिल सकते हैं मुझे? वो आंटी, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ और मैं नोट साथ में लेके जाऊँगा। छुट्टियों से वापस आते ही हमारे टेस्ट है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, इसलिए सॉरी आंटी। या आई अंडरस्टैंड। तो कोई ऐसा है जो छुट्टियों पे नहीं जा रहा? आंटी मैं आपको जरूर देता, लेकिन वो क्या है कि मेरे नोट्स इनकम्प्लीट है। तुम्हारे नोट्स इनकम्प्लीट है? तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम्हारे नोट्स इनकम्प्लीट है? ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू। आजकल के बच्चे भी कितने सेल्फिश, दूसरों की कोई परवाह ही नहीं, किसी की मदद ही नहीं करना चाहते। इन्हें पता है कि रॉकी का हाथ टूटा हुआ है, वो नहीं लिख सकता, लेकिन फिर भी देखो नोट्स तो ऐसे छुपा रहे हैं जैसे कोई हीरे जवाहरात हो। पता नहीं आजकल के माँ बाप इन्हें क्या संस्कार देते। अब बताओ मैं रॉकी के नोट्स कैसे लिखूँ, रॉकी मेरा क्या पढ़ेगा? एक्सक्यूज मी मैम, मैं आप ही के पास आ रही थी जी। मुझे आपसे रॉकी आलूवालिया के बारे में कुछ बात करनी है। आइए। रवि के मार्क्स इस साल काफी ज्यादा गिरे हैं। लास्ट ईयर सभी एग्जाम्स और टेस्ट में इसके मार्क्स लगभग ठीक ठाक थे, लेकिन इस साल कोई खास वजह मिसेज आहूजा? ऐसे तो कोई खास वजह नहीं है, बस थोड़ी सी लेसी है। मेरे हस्बैंड ने भी इसे पढ़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। मिसेज आहूजा, इस उम्र की लड़कियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, बट आई लाइक चैलेंजेस। मैं आपकी बेटी को पढ़ाऊंगा। सच? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नो मिसेस आलूवालिया, ये कैसे अलाउ कर सकते हैं हम आपको? क्यों नहीं कर सकती जी, मैं मांग ही क्या रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ ना कि मेरे बेटे का हार्ट टूटा हुआ है, मैं उसके लिए नोट्स लिखना चाहती हूँ। और मैं कौन सा आपको रोज रोज कहती हूँ कि मुझे क्लास में बैठना है। देखिए जी, आप भी जानती हैं कि टेस्ट शुरू होने वाले हैं, कोई बच्चा अपने नोट्स नहीं देगा। क्या आप ये चाहती हैं कि रॉकी अपनी पढ़ाई ना करे? देखिए जी, मुझे ना क्लास के कोने में बैठ लेने दो, मैं सारे नोट्स लिख दूंगी। कुछ पीरियड्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, अब जो बच्चे कम से कम वो तो नोट्स मिल जाए। लेकिन मैं आपको बच्चों के साथ कैसे बैठ लूं? क्यों नहीं बैठने दे सकते मैम? अगर मुझे कोई शर्म नहीं है तो बच्चों को क्या शर्म आएगी? मिस्टर शुक्ला, यार क्या लकी है रे तू, हाथ तुड़वा के नोट्स बनाने से तो बच गया। माय फ्रेंड, इट इज कॉल्ड AAK,
अपनी 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 किस्मत। बस क्या रहा है, लिखना। क्लास अटेंशन, इस साल लगता है हम में से कोई टॉप करने ही नहीं वाला, रॉकी भी नहीं। इस साल तो लगता है कैथ दे फर्स्ट उसकी मम्मी आएगी। हेलो हेलो जी प्राजी, क्या हाल है? लकी प्राजी आप? ओ भाई कोई मीटिंग शीटिंग में तो नहीं होना, डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? ओ यार फोन इस वास्ते किया था क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है। साकेत के आगे एक नया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, पोजेशन मिल जाएगी। बिल्डर जान पहचान का है, भरोसे वाला है, रेट फिलहाल बहुत कम है। भाई मैं तो ये राय दूंगा कि तू फौरन थोड़ा पैसा निकाल और बुकिंग कर ले, और वैसे भी ना 2-4 महीने में पक्का पक्का प्राइस बढ़ने ही वाला है। आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं। वैसे एक गुड न्यूज दूं? बोलो जी। कुछ दिनों में शायद मेरी प्रमोशन हो जाए। और रब दी मेहर, मुबारक हो भाई, वेरी गुड। ओ यार तो मैं बात कर लेता हूँ, है जी? हाँ जी, इस वीकेंड को चलते हैं, जगह भी देख लेंगे और साथ में बुकिंग भी कर लेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और लकी प्राची, वो सुना रॉकी का हार्ट फ्रैक्चर हो गया? ओ यार तू तो जानता है लड़कों के साथ ऐसा होता ही रहता है। वो तो स्वीटी जी हैं जो टेंशन लेती हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा यार जीत, वो यार एक बात पूछनी थी तुझसे। वो यार मैं पढ़ाई शढ़ाई कर सकता हूँ, वो स्कूल कॉलेज वाली? मतलब? वो यार तू तो जानता मैं 12वीं फेल हूँ, है जी? वो तो मैं मतलब सोच रहा था कि क्या मैं इस उम्र में आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ। हाँ राजीव, कर तो सकते हैं, लेकिन फायदा क्या? मैं तो आगे की इतनी पढ़ाई कर चुका हूं, लेकिन अब लगता है उस पढ़ाई के कोई मायने नहीं। आप बिना वो कुछ नहीं आता, खामखा मुझे कंफ्यूज कर दिया। पापा मुझे आपसे नहीं पढ़ना, आई डोंट वांट टू स्टडी विद यू। ओके बाय पाजी। हाँ जी सर। ओ सर आप रॉकी को पढ़ा रहे हो ना? नहीं, आई एम सॉरी मिसेज आलूवालिया, वो जो दूसरी स्टूडेंट है उसको मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं उसके पास जाऊंगा। कौन है जी वो स्टूडेंट? मतलब रॉकी के स्कूल में पढ़ती है? इनफैक्ट यस, सेम स्कूल की है, रावी आहूजा। रावी? आप जानते हैं उसको? हाँ जी जानती हूँ। ओके ओके, आई एम सो सॉरी मिसेज आलूवालिया, ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू योर सन। ओके थैंक यू। अच्छा तो अब पापा जी को पिंकी ज्यादा प्यारी हो गई, उसे ट्यूशन सर दिलवा दिया, एक बार भी रॉकी के बारे में नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। एक तो उसका हार्ट टूटा हुआ है और पिंकी ने भी एक बार भी फोन करके नहीं बताया, टीचर मिलते ही गुमसुम होकर बैठ गई। हेलो सेठी जी,
मैं जीत आहूजा बात कर रहा हूँ NDFC बैंक से। सर आपके लोन की सारी डिटेल्स तैयार कर दी हैं मैंने, मैं बस आपको मेल ही करने वाला हूँ। थैंक यू सर, बाय। आहूजा। यस सर। तुम अपनी बेटी की पढ़ाई के टारगेट पर ही कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारा बैंक का टारगेट मैंने किसी और को दे दिया है, श्रीवास्तव को। लेकिन सर अभी तो कट ऑफ डेट के लिए 5 दिन और हैं। हाँ है, लेकिन इन 5 दिनों में तुम कर क्या लोगे? जानते हो कि KP एंटरप्राइजेस ने हमारे साथ लोन का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। सर हमने तो उनका लोन पास कर दिया था, उन्हें बस गारंटी देनी थी। जानते हो कि KTP एंटरप्राइजेस के मिस्टर जयसवाल खुद मुझसे मिलकर गए, उनकी कंप्लेंट ये थी कि हमारे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव उनको इस बात पर तो इंप्रेस कर पाया कि एक अच्छा बाप को कैसे होना चाहिए, लेकिन ये नहीं इंप्रेस कर पाया कि हमारे जैसा बैंक कितना हेल्पफुल और यूजफुल है और होगा। नहीं सर, मुझे लगता है कि वो गारंटी नहीं दे पा रहे हैं इसलिए वो। ओ शट अप आहूजा, बहाने मत बनाओ। मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी की पढ़ाई के चक्कर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया प्रमोशन खो बैठे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.